अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक नई लोकेशन पे और ये है रबात शहर में वाक़ सोने का अजीम किला, किला रबात। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मैं किला रबात के अंदर मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं है, कोई इसके बारे में मालूमात नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये कभी कोई मकबरा था, लेकिन इसके अंदर किसी कब्र का कोई नामो निशान तक नहीं है। अब ये किस मकसद के लिए यूज़ होती थी इसके बारे में किसी को इलम नहीं है। बैक साइड पे आप लोग जो कमरा था देख रहे हैं, इसको अस्तबल खाना कहा जाता है। यहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। तो ये किला रबात जो है, ये बेसिकली एक सराय था। रबात का मतलब यह है सराय, ठहरने की जगह। रबात अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान रबात से निकला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे, तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर अस्तबल खाने मौजूद हैं। तो दोस्तों, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आया था, तो तब ये किला बहुत बुरी हालत में था। अब गवर्नमेंट ने इसको रिनोवेट किया है। रिनोवेशन के बाद इसकी हालत अब पहले तो काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम यहाँ पर होने वाला बात है। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करवा दूँ। ये हैं अब्दुल राफे और इनके साथ हैं शाहदेव भाई। जी अब्दुल राफे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? एक तारीखी जगह पर, तारीखी इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। पुराने लोगों की कैसे इमारतें थी, कैसे उनका रहन सहन था, जिस तरह हम ड्रामों में पुरानी मूवीज़ में सुना करते थे, तो उस तरह आज हमें फील हुआ। बड़ा अच्छा लगा एक तारीखी इमारत देख के। और शाहदेव, आप बताएँ कुछ। बहुत ही बेहतरीन जगह है ये माशाल्लाह, और ऐसी जगह कम ही देखने को मिलती हैं, तो सब विज़िट किया करें। यहाँ पे रबात वाली साइड पे जगह है यहाँ पे किला, और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जगह। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश की है कुछ रिनोवेशन की, आपको लगता है मज़ीद कुछ रिनोवेट करनी चाहिए? क्योंकि ये जगह बहुत पुरानी भी है और अच्छी भी बहुत है, अगर इसको बेहतर किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन जगह बन सकती है। सोच रहे हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ घोड़े लेके आते हैं अर्तुगरुल का, वो उसका रिव्यू करते हैं। यहाँ पे आगे जिस अस्तबल बने हुए हैं, इमारत बनी हुई है, वो खाने से बने हुए हैं, तो एक मूवी सीन के लिए बड़ा फिट ड्रामा बन गया। बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरी बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं, ये सुल्तान सारंग खान की कब्र है, जिसको शेरशाह सूरी की फौज ने कत्ल कर दिया था। उस कत्ल के बाद इनको यहाँ पे दफना दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये इनके साथ कुछ और कब्रें भी हैं जो यकीनन इनके बेटों की थी। एक ये कब्र है, एक वो कब्र है, और ये कब्रें कुछ इतनी अच्छी हालत में नहीं है, पता नहीं चल रहा कहाँ कब्र है। तो मेरे तो तकरीबन उनके 16 बेटे थे, जिनको शेरशाह सूरी की फौज ने उनके साथ कत्ल किया था और उन्हें दफनाया था। का दाखिली दरवाज़ा है। पिछले साल जब मैं यहाँ पर आया था तो ये बहुत बुरी हालत में था, लेकिन अपनी असल हालत में था। अब थोड़ा इसको रिनोवेट किया है। ये देखिए, दो गेट हैं, एक ये गेट है और एक ये बैक साइड भी, और एक ये गेट है। किले के अहाते में एक जामिया मस्जिद भी मौजूद है। ये मस्जिद एक बड़े हाल और सहन पर मुश्तमिल है। Oh
शाम का टाइम हो रहा है, अब हम निकल रहे हैं घर वापसी के लिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।